हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है इलेक्ट्रो डांस स्टाइल पर। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे इलेक्ट्रो डांस स्टाइल का एक बेसिक कॉम्बो जो कि मैंने क्रिएट किया है। तो इस बेसिक कॉम्बो को सीखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने होंगे यदि आपने नहीं देखे हैं तो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के जो 3 वीडियो है मैंने उसी से क्रिएट किया है ये कॉम्बो। तो सबसे पहले उन्हें सीखिए, उसके बाद इसे कॉम्बो को ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपने एल्बो को ग्रैब कीजिए, फिर आपको फिक्स्ड हैंड रोल करना है। रोल करते हुए आपका लेफ्ट हैंड नीचे की ओर आ जाएगा, फिर आपको स्लाइड करना है। स्लाइड आपको नीचे की ओर करना है, अगेन स्लाइड कीजिए पर आप सामने की ओर स्लाइड करना है। फिर आपको अपने हाथों को एल्बो पर लेकर आना है और फिर रोल कीजिए। काउंट वाइज 1, 2, 3, 4 अगेन फिक्स्ड रोल, स्लाइड स्लाइड रोल। गाइस, क्या आप भी घर बैठे बोन ब्रेकिंग सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का कोर्स परचेज कर सकते हैं और घर पे ही आज से ही अपनी बोन ब्रेकिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको बोन ब्रेकिंग का कोर्स खरीदना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और हमारा बोन ब्रेकिंग का बिगनर कोर्स परचेज कीजिए। अब रोल के बाद स्लाइड कीजिए, फिर अपने लेफ्ट हैंड को अपने हेड के पीछे लेकर जाइए और राइट हैंड से हेयर कट करें, फिर लेफ्ट हैंड से हेयर कट करें, फिर अपने हैंड को स्ट्रेट करें। हेयर कट करते टाइम आपको राइट हैंड आगे से ऊपर की ओर लेकर जाना है और लेफ्ट हैंड अपने सर के पीछे से आगे की ओर लेकर आना है। आपके दोनों हैंड का एंगल ऐसा होना चाहिए। काउंट वाइज 5, 6, 7, 8 अगेन स्लाइड, हेयर कट स्ट्रेट। अब हम फुल कॉम्बो करेंगे। फुल कॉम्बो रोल, स्लाइड स्लाइड रोल, स्लाइड हेयर कट, हेयर कट स्ट्रेट, लास्ट बट डू फास्ट। क्विक टिप्स। तो गाइस, कुछ टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेगी इलेक्ट्रो डांस स्टाइल को सीखने में। हमारी टिप नंबर फर्स्ट है, यूज ऑयल ऑन योर हैंड। इसका मतलब है आपको अपने हाथों पे ऑयल का यूज करना होगा जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज इसका यूज करने से आपके जो हैंड है वो स्लिपरी हो जाएंगे और जब आप स्लाइड वाले मूवमेंट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आप स्लाइड कर पाओगे। बट हमेशा याद रखिए, जो हमारे इलेक्ट्रो में हम जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो अपने हाथ है वो या तो टच होंगे या तो थोड़े से गैप होगी उसके अंदर, तो कोशिश कीजिए गैप रखने की, क्योंकि जब आप टच करोगे तो टच करने से आपकी जो स्पीड है वो कम हो सकती है। इस कारण से कोशिश कीजिए कि थोड़े से गैप बनी रहे। बट जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप ऑयल का यूज़ कर सकते हो ताकि जो फ्लो है या जो स्पीड है वो आप गेन कर पाओ। टिप नंबर सेकंड है हमारी कंट्रोल योर मूवमेंट। इसका मतलब है आपको अपने बॉडी को कंट्रोल करना होगा जब आप इलेक्ट्रो करोगे, बिकॉज जो बिगिनर्स हैं वो जब आप स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रो को सीखना तो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो आपके कंट्रोल के बाहर होगी। इस कारण से आपको अपने हाथों को ध्यान से रोटेट करना होगा या ध्यान से स्लाइड करना होगा। जैसे कि आप स्पीड के साथ स्लाइड करोगे तो कभी कभार ये होता है कि हम स्पीड के साथ चीज़ों को करते हैं तो वो हमारे हाथ हमें खुद को ही लगते हैं। इसलिए इलेक्ट्रो को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जो स्पीड है वो बाद में गेन करने की कोशिश करें। पहले धीरे धीरे जो आपका कंट्रोल है उसको बढ़ाएं, उसके बाद स्पीड गेन करने की कोशिश करें। हमारी टिप नंबर 3 है, डोंट डू आफ्टर जिम। इसका मतलब है आपको जब भी आप जिम से आओगे और खास तौर पे जब आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो उस दौरान इन इलेक्ट्रो डांस से बचिए, क्योंकि क्या होगा कि जब आप इसे सीखने की कोशिश करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है, आपका जो मसल पेन है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आप एक जो रैपिडली मूवमेंट करोगे अपने हाथों से तो आपकी जो मसल सोरनेस है वो इंक्रीज हो सकती है। इसे जिम से आप पहले करें या फिर जिम के 1-2 घंटे बाद इसे ट्राई करें। टिप नंबर 4, यूज़ इलेक्ट्रो म्यूजिक। इसका मतलब है
कि आपको इलेक्ट्रो म्यूजिक यूज करना होगा जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रो डांस स्टाइल का भी एक खुद का म्यूजिक का जॉनर है, जिसे हम EDM बोलते हैं। EDM सॉन्ग्स का आपको यूज करना होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इससे आपका जो फ्लो है वो अच्छा होगा, जो उसकी बीट्स है उस पर आपको डांस करते हुए बनेगा। धीरे धीरे आपका जो फ्लो है वो अच्छा होगा, और बेसिकली हम म्यूजिक पे डांस करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत होगी। तो EDM का यूज करें जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तब। बाकी की टिप्स मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा तब आएगा जब आप मुझे अपने वीडियो भेजेंगे। तो आपको अपने वीडियो मुझे भेजना है, आपको जो हमारे प्रीवियस 3 वीडियो थे, हेयर कट, स्लाइड और हैंड रोल, इन तीनों का यूज करके आपको अपना खुद का कॉम्बो क्रिएट करना है। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और मुझे ये भी देखना है कि कितने लोग इस डांस स्टाइल को लेकर सीरियस है। यदि आप सीरियस है तो ही मैं इस पे बनाऊंगा वीडियो, तभी इस चीज का कुछ सेंस निकलेगा। तो यदि आप सीरियस है तो मुझे आप इन तीनों मूव का यूज करके मुझे एक कॉम्बो क्रिएट करके बताएं, और कॉम्बो क्रिएट करके मुझे वो आपका वीडियो जो है वो मुझे सेंड करें। सेंड करने के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप वीडियो को सेंड कर सकते हैं, और सेंड करने के बाद जब 10 लोग हो जाएंगे तब मैं अगला ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा। तो ये आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मुझे वीडियो सेंड कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा बोन ब्रेकिंग पर। तब तक के लिए गुड बाय, एंड टिल देन कीप डांसिंग।